ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, बिटमार एंड सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। लाइट मोशन में आने के बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 9x16 का साइज में। ओके यहाँ पे क्लिक करके सेकंड नंबर का जो साइज है इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके एंड जो भी फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उसमें से किसी एक फोटो को, बस किसी एक फोटो को आपको एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर एक फोटो को एडिट कर लेता हूँ। ओके तो मैंने इस फोटो को एडिट कर लिया। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंजी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके फिर आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तो ये आपके फ़ोन के ऊपर है कितना देर आपको वेट करना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ओके यहाँ पे आपको दूसरा मतलब आपको यहाँ से बैक आना है एंड बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना है जो कि स्टार्ट में है और यहाँ पे कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टैक्स पे क्लिक करना है और ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो आपने फोटो को क्रॉप किया है उस फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो गाइस फिर से आपको अपनी नॉर्मल फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका नॉर्मल फोटो है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो को एड करना है। तो मैं अपनी फोटो के पास लेता हूँ एंड फोटो एड करना है। ऊपर से रोड पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को एड करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस इसी प्रकार से आपको लास्ट तक फोटो को एड कर देना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो जितना ही फोटो ना आपको लास्ट तक सभी फोटो को एड कर लेना है। तो गाइस जल्दी मैं यहाँ पे सभी फोटोज़ को एड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फोटो तो मेरा एड हो ही गया है। ओके तो मैं बोलते बोलते ही फोटो को एड कर लेता हूँ। ओके तो मेरा जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप जैसे कि ये देख सकते हो। अब फोटो ऐड करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है एंड सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे में इमेज है ना, इस इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, स्लाइड करके आगे जाना है और जितना भी फोटो है ना इस फोटो पर क्लिक कर करके इफेक्ट पर क्लिक कर करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक फोटो को छोड़ देना है, शुरू का जो फोटो है ना उसको छोड़ के यहाँ 4 सेकंड से। अब इधर जितना ही फोटो है ना सभी फोटोज़ में आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे आपको जो है जल्दी इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है, सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट अ लेयर करना है। नीचे से एक इमेज को अनटिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी 4 लेयर कर देना है। फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, इस वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 4 लेयर कर देना है। फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऊपर के 4 लेयर को सिलेक्ट करना है। इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक लेके आ जाना है। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।